तो मुझे पहले बोलते कहते आप काफी यंग दिखते हो। तो दोस्तों मैं बहुत परेशान हो गया हूँ अपने मैनेजर से। खुशी की बात यह है कि हमारा भारत जीता है वर्ल्ड कप। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं जा रहा हूँ शॉपिंग करने मिस्टर शेखर के साथ। देखो मेरे हाथ में क्या है। ओहो, गो ब्रो विद गो ब्रो। तुम हमेशा कहते हो ना कि स्टैंडर्ड बनाओ, तो मैंने सोचा अभी चलो GoPro ले लेते हैं। सर को मैंने बोला था स्टैंडर्ड बनाओ, रेंज रोवर लेके तो सस्ता काम किया, GoPro ले लिया। अच्छा अच्छा। और शेखर आज क्या दिलवा रहे हो मुझे? आज सर को इतनी महंगी शॉपिंग कराऊंगा कि स्टैंडर्ड तो बनना ही है बॉस। अभी देखना और स्टैंडर्ड बनेगा। विनोद ले आयो, लगाओ जरा मेरे को। थैंक यू, अब इसको जलाता हूँ। अब बता बन गया स्टैंडर्ड है कि नहीं? तो अब हम आ गए हैं इन्फिनिटी मॉल में शॉपिंग करने। इन्हीं के व्लॉग से फेमस हुआ हूँ और वो बंदा चिल्ला के मुझे बोला हाय शेखर सर, और इनको बोला अरे कैसे हैं आप। नहीं, जो हो सकता है जो हाय बोला उसके पाँव पे तुमने गाड़ी चढ़ा दी हो, उसने बोला हाय शेखर सर, हो सकता है ऐसे बोला हो। अरे चिल्ला के बोला ना शेखर सर। अरे अब तो, शेखर सर तो मैं हूँ ना यार। सर तो मैं भी तो सर हूँ, मैं क्या हूँ। अच्छा तो उसने शेखर और सर बोला है। हाँ मैं पता कर लेता हूँ भाई। अरे नाम शेखर नहीं यार, ऐसे मेरे को नींद नहीं आनी, ऐसे थोड़ी होता है। अरे वो बहुत पीछे रह गया, माफ कर दो, जाते जाते मिल लेंगे हम लोग। चलो फिर उसने मेरे को बोला बोल दे। हाँ थैंक यू मुझे अपने व्लॉग में फेमस करने के लिए। अब इसको नहीं दिखाना, बंद हो जा। बात बताओ सर, अगर ये व्लॉग चलते चलते अगर मैं गाना गाऊँ तो इस पे स्ट्राइक आएगा क्या? नहीं स्ट्राइक तो नहीं आएगा, गालियां बहुत आएंगी। कि जब सुदेश जी बैठे हैं तो तू कौन होता गाना गाने वाला भाई? अरे यार ठीक है, मैं पूछूंगा नहीं कुछ। चलो चल गा ही देख। ऊंचे पहाड़ों से जान दे। एक सेकंड, ये मैसेज तो आया है। अरे रिकॉर्ड है क्या? तेरी मैं गाड़ी देख रहा हूँ शेखर, बहुत अच्छी है। वेरी गुड, शुक्र है गाली नहीं है। क्या इज्जत है शेखर तेरी, देखो आगे गाड़ी खड़ी है, पीछे नहीं हट रहे। इधर पार्किंग आएगा नहीं? मैं भी बोलूंगा, मैं बोल रही हूँ मराठी। क्या बोलूँ? मैंने पूछा इधर पार्किंग कैसे कैसे बोलना, कैसे इतने पार्किंग आएगा, ऐते पार्किंग आएगा। ये पंजाबी और मराठी का जो मिक्सचर निकाला है। अरे यार बोली तो है ना मैंने, पार्किंग आएगा। आपने क्या बोला आपने क्या बोला? टिकड़े पार्किंग आएगा। अच्छा टिकड़े, अच्छा टिकड़े पार्किंग आएगा। अरे ऐसे बोलना है तो बताओ मुझे, ऐसे बोलना ना। हाँ टिकड़े टिकड़े पार्किंग क्या बोलना है? एक सेकंड मुझे बोलना है मराठी में, है ना मराठी बोले से। हाँ इकड़े पार्किंग आहे का। हाँ इकड़े पार्किंग आहे का। यार किसी से बुलवा दो मुझे। अरे आने तो उनको, किससे बात करेंगे यार। हाँ इकड़े पार्किंग आवेगा, आहे आहे सर, इकड़े पार्किंग हावे का। अच्छा नहीं बोला सही, इनको बोल रहा हूँ। क्या बोलूँ? इकड़े पार्किंग जैसी मराठीत बोला कैसे? एक आना जरा। अच्छा क्या बोलूँ? पार्किंग कुठे आहे? पार्किंग कुठे आहे? कुठे आहे? कुठे आहे? हाँ मतलब पार्किंग किधर है। ओके भैया पार्किंग कुठे आहे? भैया नहीं बोलना। अच्छा भाऊ बोलना, अगर भाऊ भाऊ पार्किंग कुठे आहे? आराम आता है भाऊ पार्क। इनको बोलूंगा भैया जो आ रहे हैं ना, कुठे पार्क करूँ भाऊ? उठे पार्क नहीं यार, एक से कहा, एक मुझे अंदर आ गए ना, उन्होंने बताया पार्किंग कोटे आए भाव, पार्किंग कोटे आए, बोल दिया मैंने। मजा आ गया, मजा आ गया, आज से आप महाराष्ट्र। अरे अरे आज मैंने मराठी बोली है, थैंक यू। अगर आप सबको मेरी मराठी पसंद आई तो प्लीज कमेंट मुझे जरूर करना। खुशी की बात यह है कि हमारा भारत जीता है वर्ल्ड कप। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक। अब यहाँ पे गाना गा शेखर। अरे यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ तो तभी तो बोल रहा हूँ, सुनेगा तो मारेगा फिर। मैं बोल रही हूँ।
कहा था ना मिट्टी में स्टार मिले ना। हाँ तो मॉल में हम आए हैं, मेरे पास कार्ड नहीं था तो मैं ढूंढता रहा और ये साक्षी इधर है, ये ईशा है, शौर्या है, मनी है और ये 10% है और कार्ड नहीं है। चलो शॉपिंग कर लेते हैं आपके नाम पे। अच्छा वो अंदर अभी लड़कियाँ मिली ना। हाँ तो मुझे पहले बोलते कहते आप काफ़ी यंग दिखते हो। अच्छा तो मैंने बोल दिया आप मेरे को बोल रहे हो यंग, अभी हमारे पापा आएंगे आप उनको देकर आना हो जाओगे। मैं डर गया कहीं एंट्री इंट्री ना हो जाए पहले। तो शॉपिंग अपनी बहुत अच्छी हो गई है, अभी ये पैसों का इंतज़ाम कर रहा है कहीं से। तो दोस्तों मैं बहुत परेशान हो गया हूँ अपने मैनेजर से। अभी मैंने बोला है चप्पल तो कहता है ये ले लो ये मैंने भी ली है, तो जो चीज़ इसने ली है वही मेरे को लेके दे रहा है, तो मेरा स्टैंडर्ड कैसे बनेगा। कपड़े जो लिए हैं वहाँ से खर्चा कर दिया, बाहर आ गए हैं तो बाहर आ कहता है सर ये जो लिए ना ऐसे सारे मेरे पास है, अब मैं क्या करूँ उन कपड़ों का बताओ। मतलब ये तो स्टैंडर्ड कम कर दिया इसने। छट यार बेड़ा गर्क कर दिया तुम्हें यार। अब हम आ गए हैं शूज़ लेने के लिए। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो शूज़ मैं ख़रीदता हूँ ना ये अपने नाप के ले लेता है, ये इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है। हाँ सच मेरी प्रॉब्लम है, ये पहन लेता है बाद में, यानी कि पैसे मेरे और ये इंजॉय करता रहता है। तो दोस्तों शॉपिंग की है, बहुत ही मज़ा आया इसको क्योंकि इसने मेरा बहुत सारा खर्चा करवाया अपने स्टैंडर्ड के लिए। और सबसे बुरी चीज़ मुझे वो लगी कि अगर मैं जूते खरीदता हूँ तो कहता है सर ये ले लो ये ले लो, मैं ले लेता हूँ बाहर आ कहता है ऐसे ही मैंने लिए। अब देखो कि क्या मेरा स्टैंडर्ड है, जो ये पहनता है वही मैं पहनता हूँ। बेड़ा गर्क कर दिया इसने मेरा। और जो इसका काम है मतलब मेरे को शो ला के दे, मेरे को कोई मूवी ला के दे, तो मेरा मैनेजर है वो काम करता नहीं है। मैं तो करता हूँ, आप लोगों के सामने मैं बताता हूँ इनकी हरकत क्या है। मेरे को बताओ मैंने सुहागन चुड़ैल आपके लिए शो लेके आया था वो क्यों नहीं किया आपने। अरे वो सिर्फ एक्टिंग नहीं होती ना, चुड़ैल की शक्ल से भी कोई चुड़ैल लगे ना, इसलिए मैंने वो फिर अपनी निया को दे दिया शो। अरे उसके पति का रोल बोल रहा था, चुड़ैल का नहीं यार, ये मिस्टेक होगी, सॉरी। अच्छा ये मिस्टेक। अच्छा बिग बॉस क्यों मना किया था आपने। बिग बॉस देखो सलमान भाई जो हैं उनके साथ मैंने रेडी की है, जयहो की है, मेरे फैमिली रिलेशन है, मुझे इतना प्यार करते तो मैं तो उनकी जगह नहीं ले सकता भाई। कंटेस्टेंट के लिए बुलाया था, एंकर के लिए नहीं आपको, सॉरी। बाहुबली क्यों मना करी थी आपने। कौन सी बाहुबली। बाहुबली 2 जब आ रही थी वो क्यों मना की थी। अरे वो पता क्या था, देखो जब बाहुबली 2 आनी थी आप सबको पता है सब वेट कर रहे थे कि कटप्पा ने क्यों मारा बाहुबली को, सबको हो रहा था ना, मेरे को भी हो रहा था, वो सस्पेंस था। अगर मैं वो मूवी कर लेता तो मुझे तो पता चल जाता कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो मैं तो ये बात प्रभास को बता देता तो वो तो मरता ही नहीं, तो मूवी सबकी खराब होनी थी ना। सोचो अब हो गया ना शर्मिंदा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय, बाय बाय करो, बाय बाय।